सो हेलो गाइस, मेरा नाम है जाबिर अंसारी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को हम बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं। रेलवे DLW का जो मेरिट लिस्ट है यानी कि जो रिजल्ट है वो हो गया है जारी। आप लोग को कैसे चेक करना है आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर है जो बार बार मुझे कमेंट करके ये पूछते हैं कि रेलवे DLW का रिजल्ट कब आएगा। तो गाइस आप लोग को यहाँ पे ये जानकारी होनी चाहिए कि रेलवे DLW की जो रिजल्ट है वो 5 तारीख से जारी हो गई है। 5 जनवरी 2020 में ये रिजल्ट जारी हो गई है। आप लोग को कैसे बुलाया जाएगा, किस माध्यम से बुलाया जाएगा और कब आपको बुलाया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पे और रिजल्ट जो है वो कैसे चेक करना है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों पूरी डिटेल्स इस वीडियो में हम बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जरूर होगी, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा जानकारी हो जाएगा कि इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि कैसे अपना रिजल्ट जो है वो चेक करेंगे। जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद उनको क्या प्रोसीड करना पड़ेगा, यहाँ पे हम पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। गाइस चलिए यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये है वेबसाइट upsarkarirezults.in। इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन DLW रेलवे की जो वैकेंसी जारी की गई थी, 374 पोस्ट थी। ये जो लिंक है हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आप लोग देख लीजिएगा ये रिजल्ट कब जारी हुआ है। यहाँ पे रिजल्ट का जो डेट है वो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, रिजल्ट या मेरिट लिस्ट अवेलेबल 5 जनवरी 2020 से ये आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दी गई है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कैसे रिजल्ट आप चेक करेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए दोस्तों बिल्कुल आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड रिजल्ट। ठीक है गाइस, आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का ये ऑप्शन है, क्लिक हियर का ऑप्शन मिल रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स बताया गया, देख सकते हैं ये है रेलवे DLW की लोगो और यहाँ पे आपको कुछ बताई गई है रेलवे के बारे में। 43वां ये बैच है और इसमें नॉन ITI और ITI के लिए ये वैकेंसी जारी किया गया। दोस्तों हम इसको PDF फॉर्मेट में ओपन करते हैं। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करने का, ये देख सकते हैं ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड करने का, यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो तुरंत डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप कर लीजिएगा डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आप चेक करिएगा फाइंड, देखिए दोस्तों यहाँ पे फाइंड दे रहा है। यहाँ इस ऑप्शन पे आप अपना नाम लिखेंगे और नाम लिख के आप सर्च कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। आपका नाम अगर अवेलेबल रहेगा तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में कि इसमें क्या क्या बताई गई हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि ये जो जानकारी हमने दिया है ये आपका रेलवे DLW के द्वारा वैकेंसी जारी किया गया था। ये वैकेंसी आपका 21/10/2019 में जारी किया गया था। इसमें आपको नॉन ITI और ITI के लिए वैकेंसी जारी किया गया था। वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई किए होंगे जिनके पास 10वीं क्लास में 50% और आपका ITI में चाहे जितना परसेंटेज हो उसी हिसाब से ये परसेंटेज मेरिट लिस्ट बनाए हैं। ठीक है, अगर आपके 10वीं के क्लास में 50% से कम है तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपका मेरिट लिस्ट जो है उसमें नाम नहीं आएगा। अगर आपके पास 10वीं में 50% है उससे ज़्यादा है तभी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिन जिन कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में आया है उनको उनकी डेट पर वहाँ पे बुलाएंगे। ठीक है, 10 बजे आपको उपस्थित होना है, रेलवे DLW का जो आपका कारखाना है वहाँ पे आपको उपस्थित होना पड़ेगा, आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लेके उसके साथ। यहाँ पे आपको वही डिटेल्स बताई गई हैं जो मैं अपनी भाषा में आपको बताया हूँ। अगर आप लोग के पास समय होगा तो इसको आप पूरा रीड कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे कैसे आपको बुलाना है, किस किस डेट में बुलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये है क्रम संख्या यानी कि ट्रेड का जो संख्या है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है और ये है ट्रेड का नाम। बहुत सारे ट्रेड है तो यहाँ पे 9 ट्रेड टोटल है और यहाँ पे मेरिट लिस्ट के अनुसार जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पे है और सत्यापन की तिथि यानी कि जो बुलाएंगे वहाँ पे उसकी तिथि है। ठीक है, तो नॉन ITI के लिए देख सकते हैं 1 से 50 उनको जो बुलाया गया है यहाँ पे 17 जनवरी 2020 तारीख को बुलाया गया है। तो जिन जिन कैंडिडेट का इसमें नाम आएगा, नॉन ITI के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, इसमें नाम आएगा 1 से 50। 1 से 50 मीन्स दोस्तों आपको नीचे में बताऊंगा 1 से 50 क्या है। ठीक है, उसमें जो भी कैंडिडेट का नाम आएगा वो 17 जनवरी 2020 में जाएंगे वहाँ DLW के जो ऑफिस है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा।
10 बजे वहां पे उपस्थित होना पड़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों नॉन आईटीआई एवं आईटीआई फीटर ट्रेड के लिए यहां पे जो बुलाया गया है 50, 51 से 74 और 1 से 25, ठीक है, यहाँ पे दोनों की बात की जा रही है, नॉन आईटीआई 51 से 74 और आईटीआई फीटर ट्रेड के लिए 125, ठीक है, उनको जो बुलाया गया है 18 जनवरी 2020 को बुलाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम नेक्स्ट जो बात करते हैं आईटीआई फीटर ट्रेड, ठीक है, तो आईटीआई फीटर जो ट्रेड है उसको यहाँ पे 26 से 75 जो भी क्रम संख्या है यहाँ पे आपको जो बुलाया गया है 20 जनवरी 2020 को बुलाया गया है। उसके बाद आईटीआई फीटर ट्रेड है जो ये, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 76 से 107 सीरियल नंबर ये है दोस्तों, क्रम संख्या ये है, इतने कैंडिडेट को जो बुलाएंगे 20 जनवरी 2020 को बुलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट है कारपेंटर और पेंटर जनरल, ठीक है, इन कैंडिडेट को यहाँ पे जो बुलाएंगे 1 से 3 और 1 से 7, ये है क्रम संख्या, इतने कैंडिडेट को जो बुलाएंगे यहाँ पे 28 जनवरी 2020 को बुलाएंगे। उसके बाद वेल्डर के लिए यहाँ पे हम बात करें तो 1 से 45 कैंडिडेट हैं, सीरियल नंबर इसको कहेंगे आप। उसके बाद इनको कैंडिडेट को जो बुलाएंगे 29 जनवरी 2020 को। उसी प्रकार यहाँ पे मशीनिस्ट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे 1 से 50 सीरियल नंबर ये क्रम संख्या, इन कैंडिडेट को जो बुलाएंगे 30 जनवरी 2020 में बुलाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट के बारे में हम बात करें तो 51 से 67 और 1 से 20, ये है इलेक्ट्रीशियन, 1 से 20 क्रम संख्या जो है इलेक्ट्रीशियन, 61 से 67 जो क्रम संख्या है वो है मशीनिस्ट, ठीक है। तो इन कैंडिडेट को जो बुलाएंगे 31 जनवरी 2020 में बुलाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे जो लास्ट आपका है इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, इन कैंडिडेट का यहाँ पे देख सकते हैं क्रम संख्या जो है 21 से 71, इन कैंडिडेट को यहाँ पे जो बुलाएंगे 1 फरवरी 2020 में आपको बुलाएंगे। यानी कि दोस्तों आपका 17 से 1 फरवरी 2020 तक आपका सत्यापन चलेगा जाएगा, तो आपको जो दोस्तों सैलरी मिलेगी यहाँ पे 6,570 रुपए प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी नॉन आईटीआई कैंडिडेट के लिए, ठीक है। दोस्तों नॉन आईटीआई के लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है, प्रथम वर्ष यानी कि पहले वर्ष में आपको इतना मिलेगा और द्वितीय वर्ष में जो आपका स्टार्टिंग होगा 7,510 रुपए आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम आईटीआई कैंडिडेट के लिए बात करें तो आईटीआई कैंडिडेट के लिए 8,450 रुपए प्रति मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये है आईटीआई का मेरिट लिस्ट जो कट ऑफ आपका बना है, ठीक है, ये है मेरिट लिस्ट कट ऑफ आईटीआई कैंडिडेट का। तो नॉन आईटीआई के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी कट ऑफ गई है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट आपका 95 गया है, जनरल कैंडिडेट के लिए 95, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 95 और एससी कैंडिडेट के लिए 95 एंड एसटी कैंडिडेट के लिए 95, टोटल यहाँ पे दोस्तों 95 ही गया है कट ऑफ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को रिजल्ट कैसे चेक करना है, पहले यहाँ पे क्रम संख्या आप लोग जान लीजिए, वहाँ पे जो ऑप्शन बताई गई थी क्रम संख्या, ठीक है, तो क्रम संख्या दोस्तों यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा ये है क्रम संख्या, मेरिट लिस्ट में जिनका जिनका भी नाम है दोस्तों वो यहाँ पे ये जान लीजिए कि आपका जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ तो यहाँ पे टोटल 71 ही सेलेक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिनका जिनका भी नाम है वो यहाँ पे अपना चेक करेंगे, जिनका भी नाम है, नाम कैसे आप लोग को चेक करना है ये अब जान लीजिए, ठीक है। आपका दोस्तों रिजल्ट बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे क्लियर होगा, यहाँ पे टोटल 71 देख सकते हैं, 71 है यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, 71 नाम, तो 71 नाम कैंडिडेट जो भी होंगे वो यहाँ पे सेलेक्ट हुए होंगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा आपका मशीनिस्ट का, उसी प्रकार दोस्तों टोटल यहाँ पे जितना भी ट्रेड है, 9 ट्रेड है, 9 ट्रेड का यहाँ पे टोटल आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कैसे आप लोग को चेक करना है पहले ये आप जानिए। तो गाइस आप लोग को यहाँ पे अपना नाम जो है वो चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में, आपका जो रोल नंबर होगा या जो भी कंट्रोल नंबर है उसके द्वारा आप यहाँ पे मैच कराइएगा, यहाँ पे आपको मेंशन किया जाएगा पूरा डिटेल्स, फादर नेम, मदर नेम, पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो आप लोग यहां पे गाइस प्लीज ये चेक करिएगा। तो गाइस ये थी जानकारी डीएलडब्ल्यू मेरिट लिस्ट की जो जारी कर दी गई है, आप लोग को कैसे चेक करना है पूरा डिटेल्स जो है इस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कैसे कैसे आपको क्या चीज प्रोसीड करना पड़ेगा वहां पे जाने के लिए और कैसे अपना रिजल्ट चेक करना है, ये सब सारा कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है यानी कि बता दिया है। आप लोग को दोस्तों यहाँ पे पहले चेक करना पड़ेगा अपना रिजल्ट, रिजल्ट चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ आपको upsarkaririzults.in पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको दोस्तों वो लिंक जो है हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, आप क्लिक करेंगे तो लिंक ओपन हो जाएगी और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
और अपना जो रिजल्ट है उसको दोस्तों आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है लेकिन आपको जानकारी पूरा यहाँ पे मैंने बता दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले कि DLW की जो रिजल्ट है वो जारी हो गई है, कैसे उन लोगों को चेक करना है ये जानकारी उनको पता चल जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को दोस्तों अपने लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल फ्री है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।